चलिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला ने मुलाकात की है मांगेराम गुप्ता से, आशीर्वाद मांगा है, जीत का आशीर्वाद मांगा है। और ये पहले ही मुलाकात नहीं है, साफ तौर बता दें लगातार जो है चर्चाएं चल रही थी मांगेराम गुप्ता को लेकर। जिस तरह से सभी दुष्यंत चौटाला की बात करें, अभय चौटाला की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, कई सारे कयास लगाए जा रहे थे कि मांगेराम गुप्ता किसी के पाले में जा सकते हैं। लेकिन आज जो खबर आई थी और अभी जो खबर हम बता रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला ने मुलाकात की है, आशीर्वाद मांगा है। और जो आज सुबह खबर आई, साफ तौर पर मांगेराम गुप्ता ने कह दिया है कि मैं किसी का समर्थन नहीं करूंगा, किसी का विरोध नहीं करूंगा, ना ही चुनाव मैदान में उतरूंगा। तो साफ तौर पर पूर्व मंत्री मांगेराम गुप्ता से आज सुरजेवाला मिलने पहुंचे हैं, इसके बाद नामांकन भरने जाएंगे। तो साफ तौर पर यह मुलाकात एक आशीर्वादी मुलाकात बताई जा रही है, आशीर्वाद लेने पहुंचे। इसके पहले भी अभय चौटाला गए थे, वो भी आशीर्वाद के तौर बताया कि एक सामाजिक मुलाकात है, कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं है। दुष्यंत भी पहुंचे थे, दुष्यंत ने टिकट का ऑफर भी दिया था कि आप हमारी पार्टी के की तरफ से चुनाव लड़िए। फिलहाल अभी जननायक जनता पार्टी को सिंबल नहीं मिला, तो एक तरह से उनकी मुलाकात होगी। विजेंद्र सिंह संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, साफ तौर पर देखा जाए तो मांगेराम गुप्ता कहीं ना कहीं जींद उपचुनाव में, जिस तरह से शुरुआती दौर से खबरें चल रही थी, जिस तरह से बातें अटकलें लगाई जा रही थी कि बीजेपी में भी जा सकते हैं, और अब उनके साथ लोगों का मिलना और वहां जाना, आशीर्वाद देना, अब रणदीप सुरजेवाला मिलने पहुंचे हैं। चलिए पहले आपको सुनाते हैं कि रणदीप सुरजेवाला ने क्या कुछ कहा। दिया आदरणीय मांगेराम गुप्ता जी हमारे बुजुर्ग हैं, मैं उनका आशीर्वाद लेने आया था और एक बुजुर्ग के नाते उन्होंने सदैव मुझ पर अपना आशीर्वाद रखा। आज भी उन्होंने बहुत हर्ष से मुझे आशीर्वाद दिया, अपना हाथ मेरे सर पर रखा। किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच आएंगे, किन मुद्दों पे कांग्रेस और वो आपको आज अभी जब मंडी में मीटिंग करेंगे तो उनकी मैं तफसील से वहाँ व्याख्या करूंगा। भी ये कह रहे हैं कि वो आपसे बदला लेंगे, बदला लेंगे, चौटाला परिवार से आपकी पुरानी दुश्मनी थी, चौटाला कहते हैं कि बदला लेंगे आपसे। यहाँ जींद में मैं विकास की राजनीति। विजेंद्र हमारे साथ संवाद हो चुके हैं। विजेंद्र, साफ तौर पर मांगेराम गुप्ता एक अहम नाम बनता जा रहा है इस पूरे जींद उपचुनाव को लेकर, शुरुआत से लेकर चर्चाओं का दौर जारी है और अभी तक लेकर, अब रणदीप सुरजेवाला मिलने पहुंचे। जी बिल्कुल, देखिए जो उपचुनाव की बात करें तो सबसे चर्चित चेहरा है मांगेराम गुप्ता रहे हैं। सभी सियासी पार्टियों ने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की है लेकिन मांगेराम गुप्ता किसी भी पार्टी में नहीं गए हैं। आज जैसे जो रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे उनका नाम अनाउंस किया है, नामांकन भरने से पहले उन्होंने दिग्गज मांगेराम गुप्ता के घर पहुंचकर उनका आशीर्वाद लिया है और मांगेराम गुप्ता ने उनको समर्थन भी दिया है। क्योंकि पहले जो मांगेराम गुप्ता है, पहले कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, जो है काफी करीबी भी रहे हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला के, तो किस प्रकार उन्होंने यहाँ पर उनका कद भी है, तमाम जितने भी जातियां हैं चाहे यहाँ पर जितने भी बिरादरी हैं उनका सब में उनका पर्सनल जो निजी वोट बैंक है तो एक माना जाता है, इसलिए वो बड़े दिग्गज भी हैं और उनका बड़ा कद भी है यहाँ पर, इसलिए सभी सियासी पार्टियां उनसे संपर्क साध रही थी और इसीलिए आज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उनसे संपर्क साध कर एक बड़ा जो है एक इशारा किया है कि मांगेराम गुप्ता का समर्थन हासिल कर वो इस चुनाव करवाने के लिए आगे बढ़ेंगे। हालांकि देखने वाली बात होगी, मुकाबला बहुत दिलचस्प है, बहुत टाइट है और बहुत फाइट है यहाँ पर होने वाली है और फिलहाल आज सभी तमाम सियासी पार्टियां हैं अपना नामांकन कर देंगी और उसके बाद चुनाव प्रचार जो अभियान शुरू हो जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।